एक बार फिर पशुपालक सुभाष सिंह के घर दहशत, फिर से हुई दो घोड़ियों और एक गाय की मौत। एक घोड़ी की हालत भी गंभीर, चिकित्सक जुटे इलाज में। चार साल में तीसरी बार हुई सुभाष सिंह के घर घटना। सूचना पर सुल्ताना SH भजनाराम पहुंचे मौके पर। इधर सुभाष सिंह ने कहा, पहले वाली घटनाओं का ही नहीं निकला रिजल्ट, ऐसे में बार बार ऐसी घटनाओं से भी और उनका परिवार है दुखी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड बुलाकर मौके से उठाए साक्ष्य। इसे साजिश कहें, बीमारी या फिर कोई जादू टोना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक पशुपालक की घोड़ी ऊंट और गाय के साथ हो रही घटनाओं से खुद और उसका परिवार बेहद परेशान और दुखी है। जी हां, खबर झुंझुनू के सुल्ताना से है, जहां पर किठाना रोड पर पशुपालक सुभाष सिंह की तीन घोड़ियां और एक गाय की आज अचानक तबीयत बिगड़ी। इनमें से दो घोड़ियां और एक गाय की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य घोड़ी भी तड़प रही है, जिसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी में घोड़ियों और गाय की मौत का कारण जहर माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि चार साल में पशुपालक सुभाष सिंह के साथ यह तीसरी घटना है। पहली बार पशुपालक सुभाष सिंह की तीन घोड़ी और एक ऊंट अगस्त 2021 में अचानक तड़पते हुए खत्म हो गए। दूसरी बार 2022-23 में फिर से उसकी दो घोड़ियों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन समय पर इलाज मिलने के कारण वह बच गई। अब आज एक बार फिर तीन घोड़ियों और एक गाय अचानक तड़पने लगी। इनमें से दो घोड़ियों और एक गाय की मौत हो गई है, वहीं तीसरी घोड़ी की भी हालत गंभीर बनी हुई है। माना जा रहा है कि जहर देकर ये वारदातें अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन चार साल से हो रही वारदातों को लेकर हर बार थाने में मामला दर्ज करवाया जाता है। मृतक घोड़ी ऊंट का पोस्टमार्टम होता है, परंतु पुलिस इस मामले में खुलासा करने में नाकाम रहती है। आज एक बार फिर ऐसी घटना होने से सुभाष सिंह परेशान और दुखी है। अब तो उसका विश्वास पुलिस और मेडिकल टीम से भी उठ गया है। सुभाष सिंह का कहना है कि यदि कागजी खानापूर्ति ही करनी है तो वह अपनी मृत घोड़ी और गाय को वैसे ही अंतिम संस्कार कर देगा। इधर घटना की सूचना मिलने पर सुल्ताना SHO भजनाराम पहुंचे, जिन्होंने डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। आज मृत हुई दो घोड़ियों और एक गाय की कीमत 6 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, वहीं दहशत का भी माहौल है। इसलिए हो गया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं चौथी बार हो जाए, यही आशंका सता रही है। कि वहीं पशुपालक सुभाष सिंह की माने तो उसका कहना है कि किसी ने रात को पशुओं को जहर खिला दिया। सुबह जब पशुओं को चारा डालने गए तो पशुओं के सामने गुड़ और राख जैसा पदार्थ पड़ा था। 2021 में हमारी तीन घोड़ी और एक ऊंट को इलाज करायो, में 2022 में भी हमारे साथ ट्रेजडी हुई, 2024 में भी तीन घोड़ी खत्म होगी, एक गाय खत्म होगी, तो मारो कोई समाधान सुलझाओ होना चाहिए। मैं बहुत पीड़ित परेशान हाँ, को समाधान करो, कोई भी प्रशासन का अधिकारी मिलके न मार तो न्याय हो रही है एक तरह की। जी सर, बताइए आज की घटना को लेकर। आज थाने पे सूचना मिली कि सुभाष सिंह के घर पे कोई घोड़ी मर गई। तुरंत सूचना को विश्वास नहीं मान के मैं और मेरी टीम यहाँ पहुंची। डॉग स्क्वाड बुलाया, उच्च अधिकारी को भी बताया, डॉक्टरों द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित करवाकर उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सर कितनी घोड़ियाँ मरी है? तीन, दो, एक घोड़ी तो मर गई, एक गाय मर गई, दो घोड़ियाँ तड़पड़ा रही हैं, जो अभी जिंदी हैं लेकिन हालत खराब है।